जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप, जहां पर 40 दिनों से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है, ये लोग मानव श्रृंखला बनाए, भूख हड़ताल पर बैठे, कई अधिकारियों से भी मिले जहां इन्हें आश्वासन तो मिला, आगे इनकी क्या कदम होती है आइए इनसे जानते हैं। आप लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया, भूख हड़ताल पर बैठे, अधिकारियों से भी मिले, क्या हुआ? बिल्कुल, मैं बोलूँगा आश्वासन मिला हमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा कि क्या कब से हम लोग भटक रहे हैं। वर्ष 2017 में इसकी वैकेंसी आई, 18 में एग्ज़ाम हुआ, 19 में परिणाम हुआ, 2019 में ही फिर से स्किल टेस्ट हुआ, फिर से उसका परिणाम आया 19 में ही, और 19 सितंबर में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 20 में आश्वासन मिला, 21 में आश्वासन मिला, और 22 में फिर से हमें आश्वासन मिल रहा है, नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहाँ? झारखंड के पंचायत सूची के सफल अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से केवल और केवल आश्वासन के शिकार होते जा रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने अब आगे की रणनीति भी और रूपरेखा तैयार किया हुआ है कि हम लोग आगे अब क्या करेंगे। हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी और मजबूत तरीके से इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से सबको पता चल चुका है कि हम लोग आने वाले 3 मार्च को विधानसभा में एक बहुत ही विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए न्याय यात्रा निकालेंगे। और वो न्याय यात्रा आखिर क्यों निकाल रहे हैं? सरकार को इसके पीछे की मंशा को समझना चाहिए, हमारी क्या मांग है, हम क्यों न्याय यात्रा के लिए मजबूर हुए हैं, हमारे घर से हमारे माँ बाप भाई बहन सब यहाँ पे आने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो कि जो मंत्री ये कहते हैं हमसे कि हम आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, और ये सब हमारे बच्चे हैं, तो उनको उस दिन दिख जाएगा 3 मार्च के दिन में कि सिर्फ किसी को अपना बच्चा कहने से नहीं होता, कि उस बच्चे के प्रति फिर हमारा जो जिम्मेदारी और दायित्व बन जाता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे माँ बाप आ करके उन्हें बताएंगे कि ये हमारे बच्चे हैं और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने थक हार के अंततः निर्णय लिया है कि 3 मार्च के दिन में हम लोग न्याय यात्रा निकालेंगे, और ये न्याय यात्रा 5,000 स्टूडेंट के साथ साथ उनका पूरा का पूरा परिवार, अभिभावक, भाई, दोस्त, बहन सब साथ में रहेंगे। और ये निकालने के बाद मानव यात्रा के जो आप निकाल रहे हैं यात्रा, उसके बाद भी अगर आपकी नियुक्ति नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे साथ जो रणनीति है वह उस रणनीति, जो भी रणनीति बनाए हैं उसको सक्सेस करने के बाद ही रणनीति बनेगी। और चूंकि अगर नहीं मानेगी तो जब तक से हम तोड़ेंगे नहीं तब तक से हम छोड़ेंगे नहीं। नियुक्ति लिए बिना हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। आज जब 40 दिन से बैठे हुए हैं और टिके हुए हैं, तो हो सकता है 40 दिन और सही, 50 दिन और सही, 100 दिन और सही, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे। जब तक से नियुक्ति नहीं होगा तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। कोई अधिकारी लोग अभी तक आए कि नहीं? नहीं, अधिकारी का यहाँ आने का आवश्यकता है ही नहीं। तो हमें मांग है सरकार से, सरकार ही सबसे बड़ा अधिकारी, भाई अधिकारी क्या कर देंगे यहाँ पे? सरकार जैसा चाहेगा अधिकारी वैसा काम करेगा। सरकार की मंशा को समझना जरूरी है यहाँ पे, सरकार क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है, इन सारे चीज़ों के बारे में गंभीरतापूर्वक हमें तमाम पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो है सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस पर विचार करें, क्योंकि माननीय आलमगीर आलम साहब हैं, माननीय बादल पत्रलेख जी भी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों ने इस विज्ञापन को आहरित तो किया है, लेकिन हम लोग फिर से चूँकि बच्चों के लगातार संघर्ष को देखते हुए निर्णय लिए हैं कि ये बच्चे जेन्युइन मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। तो हमें भरोसा भी है कि हमारे साथ न्याय होगा, बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? वो आए या फिर ना आए, बस हमारी नियुक्ति करवा दें। उनके यहाँ आने से अगर हमारी नियुक्ति नहीं होती है, अधिकारी से क्या मिलेंगे सर? हम लोगों को किन से नहीं मिले बताइए? कांग्रेस के तमाम आला से आला अधिकारी, इवन कि राहुल गांधी तक के दरवाजे तक से पहुंच के हम लोग आ चुके हैं, तो उससे बड़ा अधिकारी कौन है यहाँ पे? उनसे मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिल चुके हैं, कई बार मुख्यमंत्री से मिले हैं, उन्होंने भी यही बात कहा है कि हम आपकी नियुक्ति करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अब हम लोग पहले लड़ रहे थे अपनी नियुक्ति करने के लिए, अब लड़ रहे हैं अपनी नियुक्ति बचाने के लिए। ये तो चुनौतीपूर्ण, हम तो मानते हैं कि 99% ही मानते हैं चुनौती है ये हमारी। और अब हेमंता को अब नियुक्ति दे देनी चाहिए, बच्चे को इतनी नहीं भटकानी चाहिए। क्या अपने घर के बच्चे को इतना भटकाएंगे? वो रोड पर रखेंगे? वो तो BMW में घुमाते हैं, हमारे बच्चे या रोड पे हैं 40 दिन से, क्यों है? एक बार पूछते क्यों नहीं है? आके पूछना तो चाहिए। पद यात्रा आप करते हो, वोट लेना रहता है, तो वैसे तो आप आते नहीं हो, वैसे आकर के आप नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं है, कोई राजनीति यहाँ पर मत खेलो, बच्चे के साथ में, भविष्य के साथ में कोई राजनीति मत खेलो, नियुक्ति आकर के आप दे दो।
नहीं तो 3 तारीख को बहुत भारी मात्रा में भीड़ होगी, उसे हम चाहते कि पहले ही मतलब कि वो दे दे। हमारे जैसे जैसे बहुत सारे गार्जियन यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे गार्जियन आएंगे यहाँ पे। आप लोग बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना पर। हाँ हाँ, घर तो सुना हो गया होगा। बिल्कुल, तो ये हेमंत जी को सोचना चाहिए कि हमारे घर सुना हो गया, हमारे बच्चे में खाना पीना पूछते रहते, बेटा ये खा लो वो खा लो। और माँ का तो क्या दर्द, एक माँ का बहुत दर्द है, बच्चा भूखा प्यासा यहाँ रोड पे बैठा हुआ है धरना स्थल पे, तो कि माँ बहुत बड़ा दर्द है माँ को। अब माँ नहीं समझ पाएगी तो कौन समझ पाएगा ये चीज़ को। अगर यही चीज़ हम हेमंत जी से पूछना चाहते हैं, अगर उनकी माँ धरना पर बैठे रहेंगे और उनकी माँ मतलब कि पूछे नहीं तो कैसा उनको फील होगा। तो उसी तरह आज हम खुद आए हुए हैं, हमको बहुत बुरा एहसास हुआ है इसलिए हम खुद आए हुए हैं यहाँ पे। और कोशिश करते हैं, हम कोशिश नहीं अनुरोध करते हैं उनसे कि आकर के वो जल्दी से जल्दी बच्चे को मिल ले। कैमरा के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये अपने हक की मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपने हक की मांग रहे हैं। हम लोग बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, एक तो नियुक्ति दिए नहीं वो, नियुक्ति करके दिए नियुक्ति तो दिए नहीं वो, नियुक्ति तो दिए पहले बोलेंगे कि हम पहले पंचायत सचिव को ही हम नियुक्ति देंगे, इलेक्शन में हम जब आएंगे तो हम पंचायत सचिव को ही देंगे, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्यों बच्चे को भटका रहे हैं। अब तो उनको 2 साल 2.5 साल हो गया, दे देनी चाहिए उनको। बच्चा जब भूखा रहता है तो माँ भी खाना नहीं खाती। बिल्कुल, आपके बच्चे भूखे हैं। हमारे बच्चे भूखे हुए हैं तो इसलिए तो हम धरना स्थल पर आए हुए हैं, इसलिए तो खाना मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे को भाई खाना तो दे दो, नौकरी मिल जाएगी वो खाना खा लेंगे बच्चे, नौकरी मिल जाएगी बच्चे खाना खा लेंगे। हमारी सबसे बड़ी खाना बच्चे को वही है। अगर हट करते हैं बच्चा हमारे घर में तो हम किस लिए कहते बाबू ये ले लो, बाबू वो ले लो, बाबू वो ले लो, समझाते हैं, गुस्सा आया था। अब 40 दिन हो गया, अब तो उनको सोचना चाहिए कि चलिए भाई आप बच्चा है रोड पे, सब कुछ हो गया, नियुक्ति पत्र देना है, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं उनको। सरकार से एक माँ की यही गुहार है कि उनके बच्चे को नियुक्ति दे दी जाए। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।